हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पेपर तो हो गया है, अब यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को इसी वीडियो में सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक अपडेट पहुंच सके। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय में की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो नए बच्चे हैं, तो जो 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप सभी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसका जो लिंक है बच्चों, इसी वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर आप मैसेज करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर आप सभी नोट कर लीजिएगा, 9451094356। ये चैनल का व्हाट्सएप नंबर, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं ताकि आने वाला समय का जब हम नया बैच लेकर के आए तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल फ्री में आप जुड़ पाएं। तो आप सभी बच्चों को जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जानी है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं कि अब जो परीक्षाएं यूपी बोर्ड की हो चुकी है तो आपके 10th 12th के रिजल्ट कब तक आएगी, ठीक है। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि 18 मार्च से आपकी कॉपी जांचना शुरू हो जाएगी। अब बच्चों, हम आपको एक बात बता दें कि अब जो है आपको जब पेपर हो जाता है, पेपर के बाद जो आपको 35 से 40 दिन, हम कह सकते हैं 35 से 40 दिन का समय लगता है आपके रिजल्ट बनने के लिए, ठीक है। रिजल्ट बनने के लिए जो है आपके 35 से 40 दिन लगते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि 4 मार्च को आपका पेपर समाप्त हुआ है, ठीक है, 4 मार्च को अगर आपका पेपर समाप्त हुआ है तो 35 से 40 दिन की अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में जो है आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। आपका रिजल्ट इसी के बीच में आ सकता है, पूरी उम्मीद तो यही है, हर बार यही होता आया है। तो इस बार भी आप सभी बच्चे यही मान करके चलिएगा कि आपकी जो रिजल्ट है वो आपके अप्रैल के महीने में, आपके सेकेंड वीक, हम कह सकते हैं सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और सभी बच्चे जो है जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे ध्यान सुनिएगा, हाई स्कूल वाले बच्चों को करना क्या है कि आपको अब 11th यानी कि अब 11 में आप जाएंगे तो आपको कौन से विषय के साथ पढ़ाई करनी, बिल्कुल एक अच्छे परामर्श के साथ जो है करके डिसीजन ले करके फिर आप 11 जो है 11 क्लास में यानी 11th क्लास में अच्छे से एडमिशन आप सभी लीजिएगा। हाई स्कूल वाले बच्चों का बात ये रहा, और जो इंटर वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होने वाला है 12th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी बच्चों ने किसी न किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला होगा या फिर अब यही आपकी लाइफ है कि आप अब यहाँ 12th के बाद से आप करना क्या चाहते हैं, ये निर्णय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो आप जो बिल्कुल सही फैसला लेकर के एक नए तरीके से, यानी अगर आपको BSc करना है या फिर BA करना है, कोई भी आपको पढ़ाई करनी है आगे की, कोशिश करिएगा कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी के साथ आप पढ़ाई करें। इसके लिए क्या करना होगा आपको, भाई फॉर्म भरना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी कंपटीशन के, और उसका एग्जाम दे करके आप अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है एक अच्छी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सभी बच्चे यही ध्यान देंगे, आपको बिल्कुल आपको यहाँ पर कुछ नहीं करनी है, आपको अच्छी से तैयारी करनी है। हाँ, अगर कोई आपको स्किल सीखना है, देख सकते हैं, अगर कोई स्किल सीखना है जल्द से जल्द तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल लाइन में जो बाय वाले बच्चे हैं तो आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं और बी फार्मा कर सकते हैं, या फिर नीट की तैयारी करके MBBS की तैयारी कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। किसी के बहकावे या किसी के चक्कर में मत आइएगा, आप खुद अपने से स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोच करके एक अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़िएगा ताकि आप कम समय में एक अच्छा रिस्पॉन्स कर पाए और कम समय में अपने लाइफ को सक्सेस कर पाए, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी अपडेट रहेगी आपके रिजल्ट के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम की जो भी कॉपियां किस तरीके से जांची जा रही है, क्या है आपका रिस्पॉन्स, सब कुछ हम आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप सभी को टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। आप सभी चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।